हम डॉक्टर श्वेता और ये थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लेक्चर है। आप लोग ने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लेक्चर है, वहां से चले जाइएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। तो रिकैप देख लेते हैं कि हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या किया। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इंटरनल एनर्जी, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। हमने क्या किया था, बेसिकली इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था क्योंकि सिलेबस का वो पार्ट नहीं है, वो सब आप पढ़कर आते हैं। और टेम्परेचर, तो एक बार हमने सिर्फ बेसिकली डेफिनेशन रिवाइज कर दी थी कि ये क्या होता है। और आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टेम्परेचर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड जीरोथ लॉ हमें करना है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इसमें टेम्परेचर कर चुके हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम करेंगे। स्टेट एंड एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ लॉ। तो अब हम पहले थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ से पहले। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है उसको समझ लेते हैं। द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। तो हम नॉर्मली सिस्टम को थ्री वेरिएबल्स से डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर से। और अगर इन दोनों कोई से भी दो वेरिएबल डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट, अगर कोई से भी दो वेरिएबल कॉन्स्टेंट रहते हैं एज लॉन्ग एज सराउंडिंग कंडीशन रिमेन अनचेंज, द सिस्टम इज सेड टू बी थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कि एक गैस है एनक्लोज है वेसल के अंदर जिसका प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, एट टेम्परेचर टी ऑफ सराउंडिंग, और सराउंडिंग का जो वैल्यू प्रेशर है और वॉल्यूम है वो पी और वी ही है, स्मॉल पी एंड वी, कॉन्स्टेंट रहता है दोनों का ही एज लॉन्ग एज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रिमेन अनचेंज। हमने जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं किया तब तक वेसल में जो गैस एनक्लोज है उसका भी प्रेशर और वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास टू वेसल्स हैं ए एंड बी, डिफरेंट स्टेट्स में है, पी वी टी तीनों का अलग है, दोनों गैस का अलग है, आर ब्रॉट टू इन कॉन्टेक्ट, हम दोनों को पास लेकर आए और हमने क्या देखा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज होना स्टार्ट हुई। ठीक है, अब किसकी प्रॉपर्टी दोनों सिस्टम में से ए या बी में से किसका चेंज हो रहा है वो अलग बात है, वो देखना पड़ेगा किसका क्या चीज ज्यादा है या कम है। चेंज दोनों का ही चेंज होगा, चेंज होना स्टार्ट हुआ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में, फाइनली अ स्टेट इज रीच आफ्टर विच नो चेंज इन एनी प्रॉपर्टी। और एक टाइम पे ऐसी कंडीशन आ जाती है कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है, तो हम बोलते हैं ये दोनों जो वेसल्स हैं या सिस्टम्स हैं आर इन एट थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर और सराउंडिंग्स। अगर सराउंडिंग्स के साथ बात करें तो सराउंडिंग्स, तो यहाँ से डेफिनेशन आएगी थर्मल इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट अटेंड बाय टू और मोर सिस्टम इन अ थर्मल कॉन्टेक्ट विद वन अनदर एंड कैरेक्टराइज बाय कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। तो दो या ज्यादा प्रॉपर्टी अगर सेम हो जाएंगी तो हम बोलेंगे कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही थर्मल इक्विलिब्रियम ही है हमारा। कहते हैं कि अगर एक हम सपोज यहाँ पे इसको ऐसे समझ लेते हैं, थ्री सिस्टम्स हैं हमारे पास, आपके सामने ये फिगर भी दिख रहा होगा। ठीक है, ए बी सी, अगर हम ये बोलें कि सिस्टम ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, कि मतलब इनकी तो दो एनी प्रॉपर्टी सेम है, और बी जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ऑटोमेटिकली ए बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये हमारा जीरोथ लॉ है। इट इज अ स्टेट ऑफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम विच आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर इन थर्मल डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर ऑल्सो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट दैट इफ टू ए बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सी, देन ए एंड बी ऑल्सो आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो इसको समझ लेते हैं, ये पढ़ने हैं तीन स्टेट हमें। एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस।
थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल कंफाइंड विद सर्टेन बाउंड्री सच एज अ सर्टेन वैल्यू ऑफ प्रेशर वॉल्यूम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में मॉलिक्यूल्स कन्फाइंड होते हैं और बाउंड्री होती है। वो बाउंड्री क्या है? प्रेशर की वजह से है, वॉल्यूम की वजह से है, टेम्परेचर की वजह से है। उस सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम मे बी डिफाइंड एज अ डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ मैटर बाउंडेड बाय सम क्लोज सरफेस। द स्टेट विच इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल लाइक पी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मे बी सॉलिड लिक्विड और गैस, तीनों में से कोई सा भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विद सराउंडिंग आर नोन एज ओपन सिस्टम। अब यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि ओपन सिस्टम कौन सा है? कि जो इजीली एक्सचेंज कर लेता है एनर्जी भी और मैटर भी सराउंडिंग के साथ। सिस्टम है ना, सिस्टम अगर अपनी एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ शेयर कर लेता है तो उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम जैसे हम पानी बॉइल करते हैं तो वो ओपन सिस्टम हो गया, क्योंकि जो भी हमने हीट प्रोवाइड की और पानी बॉयल हो रहा है तो जो वेपर्स की फॉर्म में वो सराउंडिंग्स में एक्सचेंज हो जा रहा है और उसका मैटर भी जा रहा है वेपर्स की फॉर्म में। तो इस तरीके का जो सिस्टम है वो ओपन सिस्टम कहलाता है। ऑन द अदर हैंड, सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ओनली हीट या एनर्जी नो मैटर विद सराउंडिंग आर नोन एज क्लोज सिस्टम। अब अगर हमने जो हम पानी गर्म कर रहे थे उसको ढक दिया, ढकने के बाद वेपर्स तो बाहर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। जो हम गर्म कर रहे हैं या गर्म पानी है उसको हमने ढक दिया तो सिर्फ एनर्जी जो हीट है वो फ्लो हो सकती है वहां से, वो धीरे धीरे कूल हो जाएगा आपका वाटर जो है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है उसको हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। अ सिस्टम विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड एनी वे बाय सराउंडिंग इज सेड टू बी आइसोलेटेड सिस्टम। अब हमने ऐसा सिस्टम बनाया ना तो वो टेम्परेचर पास कर रहा है और ना ही जो मैटर है उसको पास कर रहा है, तो इस तरीके को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। जैसे हमारा फ्रिज हो गया, बाहर की जो जब वो क्लोज होता है तो बाहर की हीट अंदर नहीं फ्लो करती, अंदर की कूलनेस बाहर नहीं आती है और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होता है। या इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो हम कैस्ट्रॉल्स वगैरह यूज करते हैं जिसमें हम खाना, मतलब अगर परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम है तो हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, खाना आपका वार्म ही रहेगा। थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, डायनेमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर अ सिस्टम वी हैव थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। तो एक एक करके तीनों को समझ लेते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम, कि अगर सिस्टम का टेम्परेचर जो है हर एक पार्ट में सेम हो तो दैट इज विद सराउंडिंग्स, तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपने एक कप ऑफ टी लिया, आपने इसे रखा तो धीरे धीरे क्या होगा, जो टी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग में पास होगा और एक टाइम बाद आपका टी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो सकता है थर्मल इक्विलिब्रियम का। मीन्स टेम्परेचर ऑफ एवरी पार्ट ऑफ अ सिस्टम मस्ट बी सेम एज दैट ऑफ द सराउंडिंग। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स, पहले इसको समझ लेते हैं, जैसे कि आप न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा है एक्शन रिएक्शन, सेम वही है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कि हमने टेबल पे कोई रॉक रखा या लैपटॉप रखा तो इस लैपटॉप को ग्रेविटी जितना नीचे पुल कर रही है उतना ही जो है ये टेबल इस पे रिवर्स रिएक्शन पे फोर्स ऊपर लगा रही है, तो ये बैलेंस है यहाँ पे टेबल पे हमारा लैपटॉप या रॉक। तो सेम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मींस फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम मस्ट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम, मस्ट बी जस्ट बैलेंस बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम हो गया। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स देयर शुड बी नो चेंज इन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम ड्यू टू केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफ्यूजन एक्सेट्रा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हाइड्रोजन और आयोडीन को आपने मिलाया तो 2HI बन गया, और सिमिलरली 2HI से आप वापस से हाइड्रोजन और आयोडीन अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। तो और भी एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के देख सकते हैं, बट हम क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारा बेसिकली जो कंसेप्ट है या फोकस है वो थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है,
when the condition for all three type of equilibrium are not satisfied, the system is not an equilibrium state. तो नॉर्मली ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के लिए. अभी तो हम थर्मल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, बट थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. द कंडीशन फॉर ऑल थ्री टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई द सिस्टम इज सेट टू बी थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम. तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं. कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं और चैनल के साथ जुड़े रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें चैनल को. थैंक यू.